हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं भाजपा के सीनियर लीडर प्रेम कुमार जी। प्रेम जी, जानकारी मिल रही है कि अवध बिहारी चौधरी सीधे तौर पर चुनौती दे रहे हैं। कोई चुनौती नहीं है, विपक्ष को सहयोग करना चाहिए। विपक्ष सहयोग नहीं भी करता है तो हर हालत में हमारे एनडी के प्रत्याशी विजयी हूँ। सर, 1932 के बाद पहली बार ऐसा हो रहा है जब चुनाव के माध्यम से कोई विधानसभा अध्यक्ष बनेगा, राजनीति के लिए आप कितना शुभ संकेत मानते हैं? लोकतंत्र में जो परंपराएं रही है उसका निर्वहन भी पशु करना चाहिए और हमारे प्रत्याशी को सहयोग करना चाहिए, हम तो यही चाहेंगे। नए चेहरों पर दौड़ लगा रही है, अच्छा है, सबको मौका मिलना चाहिए जाकर। हमारी पार्टी एक बड़ा संगठन है और काफ़ी संख्या में लोग जीत कर आए हैं जाकर के, सबको मौका मिलना चाहिए तो पार्टी सबको अवसर दे रही है। सफलता मिलेगी निश्चित तौर पर, हम सफल होंगे। जो जानकारी मिल रही है कि मंत्री के लिए आपका नाम संभवतः फाइनल हो गया है। हमें कोई जानकारी नहीं है और ना हमारी कोई इस बात का होता है ना, हम बस जनता की सेवा देखा। 13 में हम लौट गए थे गवर्नमेंट से, नीतीश जी की सरकार थी, उन्होंने बर्खास्त तो आई है। अभी तो जो अपडेट आया है उसमें जानकारी मिली है कि आपका भी नाम फाइनल हो गया। हम तो कह रहे, मैं तो कहीं ना गया हूँ और कह रहा हूँ ऐसा ही बिहार की सेवा करूंगा 13.5 करोड़ लोगों का जाकर। कार्यकर्ता की बिल्कुल संभावनाएं हैं, किसान हैं, गांव हैं, गरीब हैं, वंचित हैं, शोषित हैं, उनकी सेवा करूंगा जाकर। जीत कल आप लोग सुनिश्चित है, मतलब जीत आप लोग कल निश्चित तौर पर एनडीए के प्रत्याशी हमारे विजय हूँ। ये प्रेम कुमार जी थे, भाजपा के बड़े नेता रहे हैं, मंत्री भी इनका बनना लगभग तय है, लेकिन ये कहते हैं कि कल विजय कुमार सिन्हा किसी भी कीमत पर अध्यक्ष बनकर रहेंगे और अवध बिहारी चौधरी को एक बार फिर से हार का मुंह देखना पड़ेगा। पटना से कैमरा पर्सन डब्लू के साथ SK राजीव, सनमार्ग लाइव 7।